ये चुंबक की तरह है, लोग आपके पास, आपको लोगों तक बेचने के जाने की जरूरत नहीं, लोग आप तक आएंगे खरीदने के लिए। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, नई जनरेशन इसके पीछे भागती है, दौड़ती है, ढूंढती है, इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पर गूगल सर्च करती है। मैं बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपके व्यूअर्स आपको खुद फोन करके बोलेंगे कि अजीत जी आपने क्या दिखा दिया, सोना दिखा दिया सोना। किसी भी काम को अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको कई महीने लग जाएंगे, इसको सेटअप करने के लिए कई सालों लग जाएंगे, लेकिन ये जो आज आपको हम बिजनेस बताने जा रहे हैं ना, ये नई जनरेशन जो युवा पीढ़ी है उसको पसंद करती है और पहले दिन ही आपके यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि ये जो काम है ना सिर्फ बिजनेस नहीं है, लोगों को खुश करने का काम है। जो भी यहाँ पर आएगा वो खुश होकर जाएगा, बड़ी सी स्माइल लेके जाएगा। तो एक बार आपने अपने शहर पे कर लिया तो आप ही वहाँ के हीरो बन जाओगे। ये है कि आप सोने में पैसा लगा दिए और एक बार सोना लग गया और वो सोने से खाली आप तिनका तिनका निकालो और बेचो और खाओ, पैसे लगा के छोड़ दो। अगर कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को भी करते रहिए, यहाँ पे बैठने आप नौकरी करो, दूसरा बिजनेस करो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो वो करो, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको कोई पता भी नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस चल रहा है, खाली महीने महीने में आपके पैसे अकाउंट में आएंगे बस। ये क्या है, एक डेजर्ट पार्लर हो गया, लोग घुस गया मतलब आपके पास 500,000 रुपए का बिल बनाकर जाएंगे। दोस्तों आज आपके लिए वर्ल्ड का फेमस तुर्किश प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से मशीनें आपको दे दी जाएंगी। मशीनों के अलावा यहाँ पर जो स्टाफ लोग काम कर रहे हैं ये भी आपको कंपनी द्वारा दे दिया जाएगा। ये कितने तरह के यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट रखे हुए हैं, अलग अलग सबकी वैरायटी होने वाली है, अलग अलग सबके टेस्ट होने वाले हैं। कोई भी कस्टमर अगर एक किसी प्रोडक्ट को अगर टेस्ट करता है तो दूसरे दिन किसी और प्रोडक्ट को टेस्ट करने आएगा, तीसरे दिन किसी और को आएगा, चौथे दिन किसी और को प्रोडक्ट को टेस्ट करने आएगा। यहाँ पर देखिए अलग प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर देखिए कितने सारे अलग अलग वैरायटी रखी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से आप फ्रेंचाइजी लेके आप महीने के लाखों रुपये कमा सकते हैं, और सब कुछ आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई और काम खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको इंतजार करना पड़ता है कस्टमर का, पहले दिन ही अगर आप इस काम को लगाते हैं, इस बिजनेस को खोलते हैं, आपकी पहले दिन ही भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। भीड़ इकट्ठी आखिर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी कस्टमर आएगा उनको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा, उसके उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल भी दी जाएगी, वो दोबारा आएंगे, अपनी फैमिली के साथ आएंगे। तो बताता हूँ किस तरीके से क्या प्रोडक्ट होने जा रहा है, कैसे आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके अपना जो एक स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको कोई मतलब मेन कोई जगह भी देखने की जरूरत नहीं होती, कंपनी खुद आपके अपने लेवल पे आपका सजेस्ट भी करती है कि कहाँ पर आपको ये फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए और किस तरीके से ये जो ब्रांड है वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो सर से पूरी जानकारी लेते हैं, सर ये फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवाते हैं, सर अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आप तुर्किश आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। सर थोड़ा अपने बारे में बेसिक डिटेल दे दीजिए प्लीज़। देखिए मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता है और मैं हमेशा से ही टर्किश आइसक्रीम का बिज़नेस करते आया हूँ, आइसक्रीम का बिज़नेस करते आया हूँ। आज मैं इस बिज़नेस को आपके लिए इसलिए लाया हूँ बिकॉज ये वन एंड ओनली प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में आई नहीं है, लोग जानते नहीं है, काफ़ी शहर है जो अभी बचा हुआ है जहाँ पे लोग इसको एक्सप्लोर ही नहीं किए हैं। होता क्या है कि वो छोटी छोटी रील्स बना के वो डालते हैं वही फेमस हो जाती है। तो ये है कि मोनोपोली बिजनेस है, सबसे बड़ी बात है मोनोपोली है, आप इस बिज़नेस को अकेले ही करोगे। जिस जगह पे हम लोग एक बार फ्रेंचाइजी दे देंगे उसको फिर बुलाएंगे नहीं, अच्छा। वहाँ पे और नहीं देंगे, दूसरा कोई बंदा मतलब खोल नहीं सकता इस काम को, नहीं नहीं खोल सकता है, अच्छा। हम लोग देंगे ही नहीं, अच्छा। आपको जो दे दिए तो वो बुकिंग हो गई फिर उनकी, अच्छा। उस जगह पे हम लोग और किसी को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। एक बार आपने लगा लिया मतलब आपने एक बार पैसा लगा लिया मतलब कि ये है कि आप सोने में पैसा लगा दिए और एक बार सोना लग गया और वो सोने से खाली आप तिनका तिनका निकालो और बेचो और खाओ। बहुत बढ़िया, मतलब कितनी वैरायटी है, कितने प्रोडक्ट हैं, कितने टेस्ट हैं? 44 टाइप के आइसक्रीम हैं, 44 टाइप के आइसक्रीम। और भी क्या क्या है वो बताइए। अभी बकलावा है, कुनाफे है, कुनाफे है, बकलावा है, 44 टाइप के आइसक्रीम्स है। लड़के हैं हमारे पास 50-60 लड़के हैं जो सब बाहर बाहर से हैं और उन्हीं से हम लोग ट्रेन करा कर ये काम कराते हैं। सबसे बड़ा बात है कि ये चीज़ जो है ये लोगों को अपने तरफ खींचती है, ये चुंबक की तरह है, लोग आपके पास, आपको लोगों तक बेचने के जाने की जरूरत नहीं, लोग आप तक आएंगे खरीदने के लिए। क्यों, अपने फ़ोन पे वीडियो बनाने के लिए, अपने फ़ोन पे रिश्तेदार को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक सारी जगह पे अपने खुद ही प्रमोशन कर देंगे, आपको खर्चा ही नहीं डालना है। पूछेंगे कहाँ पे वीडियो बनाइए, वहाँ पे खुद कस्टमर आते हैं, कस्टमर आते हैं। तो यही चीज़ है। और ये बिज़नेस पे सबसे क्या क्या है, क्योंकि मोनोपोली है ना, तो इस पे क्या है कि आपका अर्निंग है ना 200% हो जाता है। होता अक्सर यही है कि अगर आपने कोई दुकान खोली है तो बगल में कोई दूसरा आके ऑलरेडी खोल देता है, तो उसमें क्या होता है, कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने एरिया में इस ब्रांड को लगाते हैं तो दूसरा इस ब्रांड से कोई आ ही नहीं पाएगा। नहीं, एक्चुअली नहीं आ पाया दूसरा कोई, आइसक्रीम वाले हमारे साथ कोई मैच ही नहीं है उनका, अच्छा। हमारा आइसक्रीम में तो पूरा वो ट्रिक्स है, गेम है, फलाना है, सीक्रेट फॉर्मूलाज हैं। हाँ 100% ये पूरा इंग्रेडिएंट्स टर्की से आता है, हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये प्रोडक्ट है ना, आप अगर प्रोडक्ट को देखोगे तो इस प्रोडक्ट में लचीलापन है,
ये क्या है, एक डेजर्ट पार्लर हो गया, लोग घुस गया, मतलब आपके पास 500,000 रुपये का बिल बना कर जाएंगे, क्योंकि एक बार आपके पास आए तो आपको अपने स्वीट भी दे देना है, बकलावा भी दे देना है, आइसक्रीम भी दे देना, तो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं, रहा ही नहीं जाएगा, मतलब एक प्रोडक्ट टेस्ट करेगा वो कहेगा भैया दूसरा भी टेस्ट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं समझ गया कि किसी को ठंड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कुनाफे गर्म प्रोडक्ट खाओ। अच्छा हाँ, ऐसा भी है, मैं समझ रहा था कि नहीं गर्मी गर्मियों का प्रोडक्ट है आपका ये। नहीं नहीं, ठंड में भी चलेगा, कुनाफे है, कुनाफे गर्मी में चलेगा, हम लोग कॉफ़ी देते हैं, टर्किश वाला कॉफ़ी है। अच्छा। कॉफ़ी खाओ, कॉफ़ी पियो, कुनाफे खाओ, गर्म में भी चलेगा। अच्छा। और सबसे बड़ा बात ये मतलब कि अगर फैमिली में पाँच जन है पाँच जन में मान के चलो दो उम्रदार हैं, दो बच्चे हैं और माता पिता हैं, तो माता पिता क्या कि गले में खराश है, उम्रदार लोगों का थोड़ा नहीं है, तो उनके लिए वो है कुनाफे है, उस पर आप स्वीट कम रहता है, क्रिस्पी रहता है, अच्छा रहता है वो। जी जी, बहुत बढ़िया। अभी होता क्या अक्सर ये आ रहा था कि देखो हमारे इंडिया में तो देखने के लिए ये चीज़ मिलती ही नहीं है, ज़्यादातर क्या है कि आउट ऑफ इंडिया जैसे थाईलैंड चले गए या फिर दुबई चले गए या फिर ऐसी गल्फ कंट्री में चले गए जहाँ पर ज़्यादा इनका मतलब अभी तक जोरों शोर से बिक रहा है वो। लेकिन इंडिया में अभी मतलब पूरी मार्केट खाली पड़ी है, तो मतलब ज़्यादा मार्केटिंग तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, आप एक बार इन्वेस्ट कर दोगे और उसके बाद बस आपको खाली उसके लाभ ही लाभ उठाने हैं। तो अभी मॉल वाले से कैसे परमिशन कैसे लेनी पड़ेगी, कैसे जाया जाएगा, कैसे सर्च करना पड़ेगा, ये कुछ बताते हैं? नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आप जो शहर पे करना चाहते हैं उनका हम लोग बुकिंग लेंगे, हमारा आदमी जाएगा मॉल वाले से बात करेगा, करके वो काम कंप्लीट करके आपको जगह ढूंढ के देगा। वीडियो को छोड़ के मत जाना, आपको बताएंगे कि टोटल आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उससे पहले बता दीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं सर। ये बन रहा है टर्किश कुनाफे। ये टर्किश का एक अलग डेजर्ट है, ये पहली दफ़ा हम लोग लाए हैं इसको, ये मज़ेदार चीज़ है, एक बार खाओगे तो हज़ार बार आपको ढूंढना पड़ेगा। देसी घी में बनता है ये, इसको एक सेकेंड ऑफ करना ज़रा। अब देखिए ये ऐसा है, ये मशीन भी हम लोग देते हैं, ये प्रोडक्ट भी हम लोग देते हैं, सारा कुछ देते हैं, एक केक के तरह है, डेजर्ट है डेजर्ट। देखो ये चीज़ आएगा, देखो ये आ गया आपका चीज़ है, ये आपका आ गया चीज़, ये चीज़, ये चीज़ आ गया आपका, और ये हो गया पलट, क्रंची हो गया, मतलब क्रंची हो गया, हाँ जी ओके ठीक है, ये हो गया पलट, अब ये फिर घूमेगा, घुमा दो फिर, अब ये फिर पकेगा 5-7 मिनट तक। ओके, ये रोटेट होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, हाँ रोस्ट हो रहा है, इसके ऊपर में फिर ये रोस्ट होता रहेगा, ये फिर क्रंची होता रहेगा। इलेक्ट्रिक है ये इलेक्ट्रिक भी बनता है, गैस भी बनता है, ये भी हम लोग देंगे। ओके, एज पर मॉल पे गैस अलाउड नहीं है, मॉल होने से इलेक्ट्रिक होगा, अगर मॉल नहीं होगा तो हम लोग गैस भी देंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने टाइप के फ्लेवर्स होते हैं। मैं फ्लेवर्स के बारे में पहले बात करना चाहूँगा। ये देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एक फ्रीज़र में 14 फ्लेवर्स है। आप अगर चाहे तो ऐसे 2 या 3 फ्रीज़र रख सकते हैं जिसपे पूरा आपको फ्लेवर्स ही फ्लेवर्स दिखेगा। ओके ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बकलावा का भी देखा, ऐसे गिफ्ट पैकिंग बॉक्स भी आप बेच सकते हो। बकलावा एक बार खोल के दिखाएंगे कैसा दिखता है सर? बकलावा आपको वहाँ पे दिख जाएगा, वो वाले मशीन पे देखिए, यहाँ पे बकलावा दिख जाएगा। सामने ट्रे करके दिखाइएगा, हाँ आप बताइए। ये सारे बकलावा ऐसे ऐसे गिफ्ट पैक भी मिलते हैं, देखिए ऐसे गिफ्ट पैक मिले, फैमिली के लिए लेके जाए या कुछ भी। ये देखिए ऐसे गिफ्ट पैक मिलेंगे, और ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स है जो हम लोग इसके आइसक्रीम के ऊपर देते हैं टॉपिंग्स में। हाँ। ये हनी है, ये इतने सारे टाइप्स के टॉपिंग्स है, इस पर हम लोग आइसक्रीम देते हैं। ये वफल कोन है, ये बिस्किट का बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे ही बनता है ये। ओके, ये आपके आउटलेट पे ही बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर आइए और दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे हमारे पास बिलिंग सॉफ्टवेयर रहती है, हाँ इस पर आपका पूरा बिल होगा, आपको पूरा हिसाब समझ में आएगा, कितने स्कूप आपने बेचा है, कितने स्कूप नहीं बेचा है, ठीक है, इस पर आपको पूरा पूरा कुछ डिटेल्स मिलेगी। अब इस पर क्या क्या ऐसे हमारे ब्रांडेड कप्स है, देखिए हमारे ब्रांडेड कप्स है, हाँ सारा मतलब ब्रांडेड रहेगा, सारा ब्रांडेड है, टिशू भी हमारा ब्रांडेड है, इवन टिशू बॉक्स भी, स्पून भी ब्रांडेड है, हो गई टी शर्ट हो गई सब कुछ, स्पून भी ब्रांडेड है, हर एक चीज़, स्पून भी ब्रांडेड है। ओके, ये भी ब्रांडेड है, सारा कुछ ब्रांडेड है, हमारा ब्रांड छोड़ के कुछ नहीं है बस। ओके, सारा कुछ में ब्रांडेड ही है।
आउटलेट तो अभी देख ही लिया है कि कितना बड़ी आउटलेट बना हुआ है। अच्छा, ये एरिया वाइज भी होता है, मतलब जैसे कोई कस्टमर आपके साथ कॉन्टेक्ट करता है को वहाँ के एरिया मेजरमेंट भी होगा उसके हिसाब से होगा, तो उसका सबका जो रेट होता है वो कस्टमाइजेबल होता है, कैसे होता है? नहीं नहीं, हमारा रेट फिक्स है। अब हम लोग आउटलेट वाइज हम लोग ऐसे काम करते हैं, अब रेट तो फिक्स है। फ्रेंचाइजी के लिए कितनी कॉस्ट, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी सर? देखिए, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है आज के डेट में, ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इस पर क्या है ना, ये रेकरिंग है, एक बार आपने लगा दिया तो फ्यूचर में आपका बेटरमेंट हो गया। तो हमारा जो फ्रेंचाइजी है वो 5 लाख रुपये से शुरू होता है। आप एक बार कॉन्टैक्ट करो हमसे, हम लोग आपको पूरा समझा देंगे कि कैसे क्या करना है, पूरा उसका डिटेल्स में जाएंगे, अंदर तक घुसेंगे, आपको पूरा सब कुछ समझाएंगे, प्रॉफिट लॉस वगैरह सब कुछ समझाएंगे। लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, एक बार आपने अपना शेयर पे कर लिया तो आप ही वहाँ के हीरो बन जाओगे। आपको आपने बताया कि जो इस फ्रेंचाइजी के जो ओनर होंगे उनका बस काम ये रहेगा कि उनको रिबन काटने आना है, बस मुहूर्त करना है, उसके बाद घर पे आराम से कुर्सी पे एसी में बैठ जाना है, उसके बाद कुछ काम करने की जरूरत नहीं है उनको? नहीं, काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपने लगा दिया बाकी काम ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। आपके मोबाइल पे वो सिस्टम आपने दिखा ना अभी पीछे वीडियो में, वो सिस्टम में आपका पूरा हिसाब आएगा, आप मोबाइल पे देखोगे 1 गैलन में कितना आइसक्रीम निकलता है, कितना प्रोडक्ट आया, कितना गया, माइनस प्लस करोगे, पैसा हिसाब करोगे, बस बात करता। मतलब आपका जो हमारे व्यूअर का काम रहेगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है बस वो रहने वाली है और जगह आप सजेस्ट करेंगे, बाकी सारा काम आपका रहने वाला है, जो भी आपके जो वर्किंग स्टाफ होंगे वो भी आप हायर करके देते हैं, और ये सारे जितने भी लोग हैं बाहर के होते हैं लोग, वर्किंग स्टाफ वगैरह सब मेरा रहेगा, हमारा कंपनी का रहेगा, हाँ वो भी हम लोग करके देंगे। मिनिमम कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी इसके लिए? वो आउटलेट में 2 स्टाफ की जरूरत होती है, इस पर रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा सेल हो रही है तो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगी वो तो वो है, लेकिन आप अपने शहर पर अगर इसको कराओगे तो वहाँ पर ये चीज़ है ही नहीं। अच्छा। मैं आपको लिख के देता हूँ, आज जब मेरा वीडियो आप देख रहे हो वहीं पे आप अगर ढूंढोगे तो टर्की में आपको खुद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें खाने के साथ साथ में एंजॉयमेंट भी होता है, इंटरटेनमेंट भी होता है। बता रहा हूँ कि ये कहाँ वहाँ पे आप खोल सकते हो जी, अभी आप अपने शहर के मॉल पे खोल सकते हो, हाईवे के ढाबा में खोल सकते हो। अच्छा। सबसे बेटर होता है हाईवे का ढाबा, क्योंकि वहाँ पे एक क्राउड आता ही है, वो खाना खाने आता है, उससे क्या होता है कि और क्राउड पुल भी होगा, कोई जो धावा है जो चल नहीं रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ पे हम लोग लगा देंगे। ये टर्की आइसक्रीम में वो गेम के लिए ना, बच्चे आएंगे तो माँ बाप थोड़ी कुछ करेंगे, माँ बाप खाना खाएंगे जी, है ना। तो ये सब चीज़ें और है कि अगर आपका कोई कैफ़े है, कैफ़े के आउटसाइड में कोई बड़ा सा जगह है वहाँ पे आप लगा दो, आपका रेस्टोरेंट है वहाँ पे एक साइड पे, आपका रेस्टोरेंट के बगल में स्पेस है, आप वहाँ लगा दो, आप जहाँ पे बोलोगे हम लोग वहीं लगा देंगे। एक ही है कि जहाँ पे बोलोगे वहीं लगा देंगे, लेकिन हमेशा ये कंपनी के ऊपर है कि वो जगह अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड जगह हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड के लिए ही सब कुछ है। तो अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, अगर फ्रेंचाइजी कोई बनना चाहता है आपके साथ में मिलके, तो कहाँ पर आना होगा सर उनको? हमारा हेड ऑफिस है कोलकाता में, और वहीं पर आप ऑफिस में आ सकते हैं, हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप आउटलेट देखना चाहते हैं तो आप कलकत्ता में भी देख सकते हैं, हमारे ऑल ओवर इंडिया में 22 आउटलेट हैं। अब एक अगर आप किसी नज़दीकी आउटलेट के पास है तो आप चले जाइएगा वहाँ पे, अगर मुंबई में है तो महाराष्ट्र में है, पुणे में है, नागपुर में है तो नागपुर और पुणे में आप आउटलेट जाकर देख के आइए, उसके बाद कहीं और जाना हो तो और जाइए। तो मुझे इसका जो मार्जिन है सर वो कितना रहेगा आप बता रहे हैं कि 100% प्रॉफिट मार्जिन है इसका? 100% मार्जिन है इस पे, 100%। आप 50 रुपये का आइटम 100 रुपये में 120-150 में बेचोगे तो कम से कम 200% भी मार्जिन जाता है इस पे। दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके लिए सर्च करके लाते रहते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशंस, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक आपने कभी देखे ना हो, तो ये जानकारी तभी मिलेगी जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर किसी नीडफुल के पास जो वीडियो है पहुँच पाए, आप नहीं करते हैं कोई दूसरा करेगा तो उनकी भी दुआएं मिलेगी, प्लस हमको भी दुआएं मिलेगी अगर हमारा अगर ये मिशन सक्सेस होता है। तो दोस्तों प्लीज़ हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। बिजनेस यूनिक है, हाथ से मत जाने दीजिए, आपके शहर में आप पहला बनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग एक वादा हम लोग आपसे कर सकते हैं, आपके शहर में आप ही की जगह पे एक ही होगा, दोबारा नहीं होगा जी। तो ये मोनोपोली का है, मतलब आपकी एक खुद की अपनी एक मतलब डंका बजेगा आपने वहाँ पे, एक सिटी में एक ही होगा, एक सिटी में दो नहीं होगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।